हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने दो दिन का व्लॉग मिस कर दिया क्योंकि दो दिन में हमें मिली ऐसी गुड न्यूज़ जो मैं आपको आज इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आपने व्लॉग फुल देख लें ताकि आपको उस गुड न्यूज़ के बारे में पता चले और आपको हमारे प्यारे से पेट हाउस को भी पता चले अगर आप लोग नए हैं। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे पास क्या क्या है। मैं क्या क्या हमेशा अपने सेटअप पर लाता रहता हूँ। तो आज हमारे सेटअप पे बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक फैन, स्टैंड फैन छोटा सा, जिससे अब इनकी गर्मी थोड़ी थोड़ा तो इनका गुजारा हो रहा है बस। और ये मेरी डक्स हमेशा पानी में रहती है, इनके लिए हम आज या कल कोई पानी का इंतज़ाम भी कर लेंगे, स्विमिंग पूल बना लेंगे। और ये हमारे नए चूज़े, एक चूज़ा है, बाकी तीन पता नहीं कहाँ छुपे हुए होंगे। और जो गुड न्यूज़ है वो भी अभी बताने का वक्त आ गया है। ये देखिए वो पीछे छुपे हुए, ओ भाई साहब, इतना डरा दिया था मुझे यार, मेरी जान निकल गई थी बिल्कुल भी यार। मैंने देखा जो हम नए गंजे चेक्स लाए हैं और वो सिंपल वाली चीज़ें लाए हैं ना, दो मतलब एक सिंपल है और तीन गंजे है ना, तो उनमें से एक गंजा ऐसे ऐसे लेटा हुआ था जैसे उसको कुछ हो गया, बिल्कुल उसने गर्दन जमीन पर रखी थी। मैं जैसे ही उसे टच किया तो एकदम से भागने लगे। ये सब कुछ गर्मी की वजह से हो रहा है। हमने थोड़ा सा स्टैंड फैन तो लगा दिया लेकिन इससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा। जल्दी जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई इंतज़ाम और करना भी पड़ेगा इनके लिए, वरना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यार बाकी बात तो अब बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ वो गुड न्यूज़ जो हमारा एक अकेला बटेर था ना, हमें लगता है मेरा, लेकिन वो नहीं क्या फीमेल। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है गुड न्यूज़ में। तो ये है हमारी गुड न्यूज़, ये देखें हमारे बटेर ने एक एक दिन में दो दो अंडे दे दिए। मतलब एक दिन में पहले एक दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा भी दे दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी वजह से। पहले तो हमें लगा कि छिपकली का अंडा है, फिर हमने सर्च किया तो हमें पता लग गया कि बटेर का ही अंडा है, लेकिन आपने भी हमें कंफर्म करा देना है कि बटेर का है छिपकली का। मुझे तो लगता है बटेर का ही है कि बटेर इसके आसपास मंडरा रहा होता है हमेशा। जैसे अब तक के यहाँ के हालात जा रहे हैं ना, मुझे लगता है हमें यहाँ पे कोई मिनी सा एसी भी लगाना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि वरना इन्हें कुछ हो भी सकता है इतनी गर्मी से। मैं तो यहाँ जैसे आता हूँ मैं पसीने से भर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे बर्ड्स हैं और वो जैसे रहते हैं उनका मैं मुझे भी तो देखना चाहिए कि वो कितनी मुश्किल से रह रहे हैं अपनी जगह पर। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोई बंदोबस्त करेंगे इन सब बर्ड्स का, यहाँ पे ही कोई बंदोबस्त करते हैं। तो अभी मैंने फ़ैन को यहीं पर ही कर दिया है पॉज। तो अब हमने सारी चीज़ें सारे डक्स को इधर लेके जाते हैं ताकि वो भी थोड़ी हवा खा ले। चलो चलो डक्स, जाओ 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 जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी जाना, जाओ 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 जाओ, बड़े मज़े की हवा खाओ, जाओ जाओ जाओ। तुम तो बड़ा मुंह खोलते हो यार, और इनके तो मज़े ही मज़े हैं, इनके तो बिल्कुल सामने फैन लगा हुआ, बिल्कुल सामने। तो डक्स भी बड़े मज़े में ये लोग पता नहीं जा रहे हैं, जा जा। अरे उधर जाने के लिए बोला था पागल। जैसे जैसे ब्लैक जो चूज़ा है ना सामने, ये बड़ा होता जा रहा है तो ये अजान देना भी सीखता जा रहा है, क्योंकि मुर्गा है ये अब चूचू नहीं कहता है, कहता है बहुत बड़ी सी आवाज़ थी, बहुत फनी होती है जैसे रो रहा हो, लेकिन अभी सीख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये कहेगा को को को। और हमारी डक्स तो बड़े मज़े में यही पर बैठ गई है, कह रही है कि हमें तो बस ऐसा ही जगह चाहिए थी, हम क्या वहाँ पे गर्मी में सड़ रहे थे, हमें यही वाली जगह बहुत प्यारी लगी है। देखें कैसे बैठ गई है, और उनको शायद अब तक नहीं पता चला, अब तक वो गर्मी के मौसम में
ये रैबिट्स को भी नहीं पता चला कि वहाँ पे इतना अच्छा मौसम है। रैबिट जाओ ना, डक्स में बुला नहीं रही, तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या? और डक्स सबको बताओ ना ताकि वो सारे भी इधर ही हैं तुम्हारे पास, सबको हवा लगे, अकेली हवा का मज़ा ले रही है। तो गाइज आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को मेरे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो आज की व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।